उद्योग मंत्री शकुंतला रावत विभाग की योजनाओं को लेकर गंभीर हैं। एक के बाद एक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके योजनाओं की क्रियान्विति को और बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में फीडबैक ले रही हैं। इसी क्रम में रीको के जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों को कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शकुंतला रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जियाउद्दीन खान। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ एक के बाद एक बैठकें कर रही हैं और उन सब के पीछे मकसद है कि बजट घोषणाओं को तय समय पर पूरा किया जाए। आज भी रीको के अधिकारियों के साथ एम बैठक की, क्या कुछ रहा इसमें? अधिकारियों को लताड़ भी लगाई तो नसीहत भी दी, क्या कुछ रहा? आज हमने जो भी राजस्थान के पूरे रीको के RM और अन्य अधिकारियों की मीटिंग ली, थोड़े दिन पहले हमने सभी GMs की मीटिंग ली और वन स्टॉप शॉप हमारी मीटिंग होती है जो महीने के पहले बृहस्पतिवार को मैं स्वयं रहती हूँ, बाकी सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं, नहीं तो हमारे कमिश्नर रहते हैं BIP। तो ये सारा इसलिए कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक ज़िले में MOU LOI साइन किए और जो समिट राजस्थान में आए, तो हमारे कितने कोई पेंडिंग है, किस स्तर पर है, मैं स्वयं कलेक्टर्स से बात करती हूँ, संभागीय आयुक्त से बात करते हैं, हम VC के जरिए मैंने बात की है। देखिए, आप लगातार जो वहाँ के कलेक्टर हैं या अधिकारी हैं, GM हो, RM हो, उन सबसे लगातार बात कर रही हैं, मकसद यही हो, निर्देश भी दिया कि शिकायत मिली तो सीधे सरकार के पास जाएगी और कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अगर कोई भी हमारे ऐसा कोई अधिकारी है जो कि काम नहीं करना चाहता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक तो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जिनकी अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी तो उनको हमने बोल भी दिया, निर्देशित कर दिया कि अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, आप सही काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई विभाग ऐसे हैं जो वन स्टॉप शॉप के जरिए उनको यहाँ बैठना था लेकिन उनके कई पेंडेंसी भी हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं और क्या निर्देश? नहीं, कुछ काम हमारे जैसे कि जो गोचर में जमीन अलॉट हो गई है तो उसको वापस से हमें सिवाय चक करनी है, या सिवाय चक में ही हम लगा सकते हैं वो फैक्ट्रियां, तो जो गोचर में नहीं लगाने का है तो गोचर के बदले या तो सिवाय चक दे में, या फिर अब हम ऐसा कर रहे हैं कि गोचर छोड़ के सिवाय चक लेने का ही हमारा प्रयास रहेगा। आज हमने RM को ये भी कहा कि अगर अपने उपखंड में नहीं, एक उपखंड में, तो दूसरा अगर नज़दीकी कोई उपखंड है वहाँ अगर सिवाय चक जमीन है तो उसमें आप लगाएं, लेकिन जो घोषणाएं हैं हमारी मुख्यमंत्री महोदय की, जो सोच है, जो विजन है कि प्रत्येक उपखंड पे स्थापित हो उद्योग और उनको युवाओं को, युवतियों को रोजगार दिया जाए, तो वो हमारा सपना जो राजस्थान का है वो पूरा हो सके, तो इसलिए हम ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। लगातार हो रही बैठकों के पीछे एक ही मकसद है कि जो उपखंड क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी उनको तय समय पर पूरा किया जाए। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक ये दावे हकीकत में बदल पाते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।